हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम सभी ठीक है। तो चलिए आज का नया ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के ब्लॉग में मैं कर रही हूँ करवा चौथ की तैयारी। तो कैसे कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे करवा चौथ की जो भी छलनी और प्लेट जिसमें पेंट करके बनाने वाली हूँ, ये है पेंट। और पहले मैं इसमें पेंट कर लेती हूँ जिसमें मुझे ड्राॅइंग करनी है, तो उससे मैं पेंट करके फिर बनाऊँगी अपन। तो फटाफट पेंट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ काशु क्या कर रही है। काशु को दिया था खीर और खीर को छोटे चम्मच से नहीं खाइए, उल्टी चम्मच से खाइए। छोटे चम्मच से खाओ। तो ये मैंने पेंट लगा दिया है रेड कलर का छन्नी और लोटे में। फिर बाद में जब ये सूख जाएगा, मैं धूप में सुखा देती हूँ, जब प्रॉपर सूख जाएगा तो उसमें फिर मैं एपर निकाल दूँगी। तो ये सूख चुका है और अभी होगी है रात, तो मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं अभी इनमें बना लेती हूँ। प्रॉपर सूख चुका है और ये प्लेट में मैं थाली में बाद में कल पेंट करूँगी, क्योंकि मुझे सुखाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो पहले मैं इनमें कर लेती हूँ। तो मैंने लोटे में शुरू कर दिया है। ये एक साइड से लेस लगी हुई है बीच में, तो जहाँ जहाँ पर छूटा है वहाँ पर मैं कर लेती हूँ। और ये छन्नी मेरी हो गई तैयार। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि कैसी मैंने लग ये रही दो कमेंट साल में बाद जरूर बनाया बताना। है। क्योंकि पहले मैं हर साल बनाती थी डेली में भी, तो अभी मैं 2 साल से बनाए थे, 2 साल बाद मैं बना रही हूँ। और काशु यहाँ सोई है और टाइम देखिए रात के 10:15 हो रहे हैं। तो लाइट नहीं खोली है मैंने, मैं सोलर की लाइट में बना रही हूँ, क्योंकि लाइट में काशु सोती नहीं है, तो सोलर की लाइट में मैं बना रही हूँ। मेरी आँखों में भी दर्द सा फील हो रहा है मुझे। और ये लोटा मेरा बन के हो चुका है रेडी नीचे साइड से। अभी ऊपर साइड से और मैं बनाऊँगी, जो ऊपर जहाँ से मैंने फोल्ड किया वहाँ से ही बनाना बाकी है अभी। तो ये देखिए लोटा यहाँ पर भी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा अंदर साइड से मुझे पेंट करना है और पेंट करके फिर मैं अंदर साइड से थोड़ा सा जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ पर बना लूँगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और काशु की हरकतें देखिए, सब जगह छोड़ के कहाँ सो रही है। अपने डॉल को सुलाया है, उसके ऊपर सो रही है। क्या कर रही तू ये? हैं? क्या कर रही? तू क्या कर रही? और मैंने यहाँ थाली में भी पेंट कर दिया था, उसके बाद ये ड्राई कर हो चुका है, तो मैं इसमें स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो ये भी बन जाएगा 1-8 घंटे के अंदर। तो ये मेरी थाली बनके हो चुकी है रेडी, देखिए मैंने बना दी। तो कमेंट करना आपको कैसी लगी। पीछे साइड से पेंट करना बाकी है, पीछे साइड से पेंट कर दूँगी, सिर्फ उसमें ड्राइंग कुछ नहीं करूँगी। तो देख के आपको बताना कि आपको कैसी लगी। हमारे वहाँ आए आए हैं छोटे सफाई करने वाले, देख लीजिए दो दो झाड़ू सफाई हो रही है। ये देखो एक छोटा, ये छोटा वाला झाड़ू काशु का, ये इसी को इसी के साथ खेलती है। कर दो साफ, कर दो अच्छे से, साफ करो अच्छे से और अच्छे से। एक झाड़ू पहले नीचे रखो, एक झाड़ू नीचे रखो, एक से सफाई करो। हाँ इससे सफाई करो, अपने वाले झाड़ू सफाई करो, करो अच्छे से करो, इससे करो। मैं ये झाड़ रही थी, बहुत ही गंदा और था, और अपना भी आ गई लेके। दो मुझे दो, मैं झाड़ती हूँ। एक मुझे दो वो वाला झाड़ू, मुझे दो दे दो, तुम अपने यार झाड़ू से झाड़ो। थैंक यू। तो मेरा करवा चौथ की थाली पूरा सेट हो बन के हो चुका है रेडी, ये देख लीजिए। ये है छन्नी, ये है लोटा और ये है थाली। तो पूरा सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।